नवाज शरीफ को पूरा मौका दिया मगर वो मनी ट्रायल ना पेश कर सके। अभी झाड़ू बांधा जा रहा है, पूरी भल सफाई होगी। कोर्ट लखपत जेल में नवाज शरीफ दोनों भाई इकट्ठे होंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले 2019 अहम साल है, 30 मार्च तक मजीद फैसले भी आएंगे। सारी अपॉर्चुनिटीज दी गई नवाज शरीफ साहब को कि मनी ट्रेल जो है उसका सबूत देने के लिए, उनके पास कोई मनी ट्रेल थी नहीं। ये सारे एसेट्स में मौजूदा हुकूमत का या इमरान खान का कोई हाथ नहीं है जी। आधी जिंदगी लगा के इन्होंने ये दौलत ठकाने लगाई, आधी जिंदगी इनको बचाने के लिए जिद्दोजहद की और हमेशा सारी जिंदगी इनकी टाइमिंग गलत रही है। जब लड़ाई का टाइम होता है ये एनआरओ मांग रहे होते हैं। दो दिन इन्होंने एक तूफान खड़ा किए रखा जी, इस्लामाबाद से निकल रहे हैं, जीटी रोड पे कब्जा छाया हुआ था, तूफान जनाब आ रहे हैं, वो जिनका बरसों इंतजार था और निकला टेंट एफिश। वो ट्वीटें जिनमें कीड़े पड़ गए थे कि नेट प्रॉब्लम है इसलिए ट्वीट नहीं जारी हो रही, उन ट्वीटों पे बहार आ गई है, बरसात आ गई है और इंशाअल्लाह ताला घंटे में आपको लातदाद ट्वीट्स नजर आएंगे। ये थोड़ा सा आसफ जरदारी से ही सबक ले लेते। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है कि शायद खाकान साहब को मैंने सुना, वो कह रहे हैं हम अदलिया पे यकीन रखते हैं लेकिन फैसले को नहीं मानते। हजूर शायद खाकान अब्बासी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने LNG के आपके केस के बारे में हुक्म दिया मेरे केस में। ये ताश छाती से लगा के खेलने वाले बरादरान हैं, जरूरत पड़ती है एक हो जाते हैं, जरूरत पड़ती है दो हो जाते हैं। ये आवे ही आवे और जावे ही जावे वालों का सियासत में कोई मुकाम नहीं होता। ये सारे वो चोर डाकू लुटेरे कम जर्फ कम अक्ल और ज़हनी पस्ती के शिकार हैं जिन्होंने माशरे को आज इस हाल में कर दिया है। मुझे यकीन है कि जो जो चोर हैं, चाहे हमारी तरफ हैं, लाइन की इस तरफ है, मैं रेल मिनिस्टर हूँ, पटड़ी की इस तरफ है या पटड़ी की उस तरफ है, नहीं बचेगा।